सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फहीम कियानी ने कश्मीरी कायदीन मोहम्मद गालिब चौधरी मोहम्मद सिद्दीक रेहाना अली चौधरी इकरामुल हक और यासिर आलम के हमरा G20 ममालिक का मकबूजा कश्मीर में 22 से 24 मई तक 3 रोज़ा इजलास के खिलाफ बरतानवी वजीर आजम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पेटिशन जमा करवाई। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने बरतानवी वजीर आजम से मुतालबा किया कि इस इजलास में बरतानिया मुतनाज़िया रियासत जम्मू कश्मीर में अपना नुमाइंदा न भेजे, क्योंकि मोदी इस इजलास के ज़रिए 5 अगस्त 2019 को किए गए गैर कानूनी और ज़ालिमाना इकदामात के लिए क्लीन चिट लेना चाहता है। G20 का मकबूजा कश्मीर में इजलास अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीरी कायदीन का कहना था कि बरतानिया और G20 के दीगर ममालिक को कश्मीर के बुनियादी इंसानी हक के खुद इरादियत के साथ और भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर G20 ममालिक इस इजलास में शिरकत करेंगे तो तारीख इंसानी में एक स्याह बाब का इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जदीद दौर में माशी मफादात को इंसानी हकूक पर तरजीह हासिल है, लेकिन कश्मीरी किसी सूरत में अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। बरतानिया का बहुत एक रिकॉर्ड है कि इंसानी का हकूक की पामाली जहाँ कहीं भी हों उन ममालक का बाइकाट किया जाता है। तो हम आज उनसे ये मुतालबा करते हैं कि जो कश्मीर में जो कॉन्फ्रेंस है उसका बाइकाट करें। जो कंट्रोवर्शियल G20 की मीटिंग इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 22 मई से 24 मई तक होने जा रही है, उसमें बरतानवी हुकूमत अपना नुमाइंदा ना भेजे। इंडिया जो है G20 जो है कश्मीर में मुनक्कद करा रहा है, जिसकी कि हम मुखालफत करते हैं, क्योंकि वो जो है यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो ऐसे इलाके पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे एक G20 कॉन्फ्रेंस को होल्ड करे। मोदी को पैगाम दिया जाए कि जो वहाँ हमारी बहन और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और खून किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। बरतानवी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसमें शरीक मत हो। तहरीक कश्मीर बरतानिया के वफद ने राजा फहीम कियानी की क़यादत में गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ बरतानवी वजीर आजम हाउस के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में भी शिरकत की।